मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने ग्राम पांचोरी के दो अवैध हथियार तस्करों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ग्राम पांचोरी से अवैध हथियार लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं जिले की लालबाग पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 14 अवैध हस्तनिर्मित पिस्टल और दो मोबाइल बरामद किए। इसके साथ ही करीब 3 लाख रुपए का मशूका भी आरोपियों से बरामद किया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माण और उनका परिवहन करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। थाना लालबाग की टीम के द्वारा दो अपराधियों को पकड़ा है, जिनसे करीब 14 देशी पिस्टल जब्त किए हैं, दो मोबाइल भी जब्त किए हैं, कुल करीब 3 लाख के हैं। जो लोग हम लोगों ने पकड़े उनमें से एक का नाम राम उर्फ सीताराम, पिता सुरेंद्र सिंह भदौरिया है, जो अंगदपुरा थाना अटेर जिला भिंड का रहने वाला है। और दूसरे व्यक्ति का नाम रवि पिता फूल सिंह जाटव है, जो बामोर का रहने वाला है, जिला मुरैना का। ये दोनों लोग को जब पकड़ा और इनसे पूछताछ की तो ये पाचोरी से इन अवैध हथियारों को लाना बता रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ जारी है, इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध।